लग्नता जानता संगमी नहीं। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय वंदनीय स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज इस पवित्र संस्था के संस्थापक संचालक परम श्रद्धेय वंदनीय ब्रह्मचारी विश्वपाल जयंत जी, आधुनिक भीम की उपाधि से अलंकृत ऐसे यशस्वी व्यक्तित्व और इस मंच पर आसीन योगीराज ब्रह्मचारी कर्णपाल जी, भाई आचार्य अखिलेश जी और ऋषिकेश से भगत जी और हमारे बाहर विदेश के मेहमान और यहाँ मेरे सम्मुख हमारे भारत स्वाभिमान पतंजलि योग समिति के कर्मठ कार्यकर्ता और इस नगरी के सभी प्रतिष्ठित सम्मानित नागरिक, हमारे पत्रकार मीडिया के बंधुओं और उपस्थित सभी प्यारे बच्चों और बहनों, भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रथम संस्कृति है। यदि भारतवर्ष को आज भी दुनिया में जाना जाता है, यदि दुनिया के बहुत सारे क्षेत्र के लोग इस देश में आते हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी तादाद जो अपने को जानना चाहता है वह इस भारत भूमि में आता है। उस भारत भूमि में भी अपने को वह उत्तराखंड के इन हिमालयी क्षेत्रों में भ्रमण करता है। हमारा सौभाग्य है भगवान ने हमें इस क्षेत्र में जन्मभूमि के रूप में, कार्य भूमि के रूप में, इस क्षेत्र से, इस क्षेत्र की हवा से, पानी से, जल से, अन्न से हमारा देह पुष्ट हो रहा है। पर इस क्षेत्र में होने की वजह से, इस उत्तराखंड की पवित्र भूमि में जुड़ने की वजह से हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। यह भूमि, जैसे अभी आपने सुना, मैंने भी वर्षों से सुना हुआ था, बड़ी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी कि यहां से जितना भी इस क्षेत्र का जो जंगल है, चरक डांडा भी इससे पास में ही है, वहां चरक ऋषि के संदर्भ में बात की जाती है कि उनकी कर्म भूमि या जन्मभूमि वहां थी। कोटद्वार वालों, आप लोग सौभाग्यशाली हो, ऐसे पवित्र दो महान स्थानों के बीच में, उधर हनुमान जी आपकी रक्षा कर रहे हैं सिद्ध बलि के महान मंदिर में, वहां तो आप जाते हैं, तो इन स्थानों को भी मैं कहूं कि यदि आप थोड़ा सा प्रयास करके इन स्थानों को आप स्थापित करेंगे तो आपकी स्थापना अपने आप हो जाएगी। संस्था से संस्था आदमी बनाता है, ध्यान रखना, संस्था आदमी बनाता है, आदमी की पहचान बाद में संस्था से होती है। आश्रम को तो आप बढ़ाओगे, आश्रम का सहयोग तो आप करोगे, पर ऐसा करोगे तो वह दिन दूर नहीं, इस संस्थान से आपकी पहचान बढ़ेगी। इसीलिए हम किसी संस्थान का सहयोग करते हैं, किसी अच्छी जगह पर हम जोड़ते हैं, तो निश्चित रूप से हम उस संस्थान के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, हम अपने संस्कृति के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने पहचान के लिए हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं। इसको हमें कभी विस्मृत नहीं होने देना चाहिए। महर्षि कण्व हमारे प्राचीन ऋषियों में, जिन ऋषियों को हम जानते हैं, जिनके संदर्भ में हमें नाम मात्र से श्रद्धा है, भावना है, मैं जानता हूं शायद संभवतः इस भारत वर्ष के अंदर बहुत थोड़े से लोगों को पता है, बहुत थोड़े लोगों को, यदि 125 करोड़ की आबादी इस देश के अंदर है तो मुझे लगता है कि कुछ करोड़ लोगों को संभवतः पता है कि यहां कण्व ऋषि की यह तपस्थली है, यह इस देश का दुर्भाग्य है। हम उन ऋषियों को सम्मान करना हम चाहते हैं,
देश के करोड़ों लोग उनके प्रति आज भी पूरी निष्ठा रखती है, परंतु उन दिव्य विभूतियों के जो स्थान थे आज भी कहीं जीर्ण शीर्ण और कहीं गुमनाम खोए हुए हैं। ऐसे हमारे महर्षियों के तपस्थली, जन्मस्थली, यह तो सरकार का काम था। सरकार करें बड़ी बात है, सरकार क्या करती है आप और हम विगत 10 साल से देख रहे हैं कि इस देश को बनाने का काम सरकार नहीं कर रही है, अभी तो इस देश को समाप्त करने का काम कर रही है। तो हमारा दायित्व है कि हम अपने आप को भी, हम अपने कर्तव्य पर यदि दृढ़ रहते हैं तो उनको किसी न किसी दिन जो हम चाहते हैं वो करना ही पड़ेगा। अब वह समय आ रहा है जो हमारी ताकत है, जो हमारी ऊर्जा है, जो हमारी शक्ति है, हम अपनी संवेदनाओं को, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं। देश में हम क्या चाहते हैं, देश की व्यवस्था कैसी चाहते हैं, हम अपने जीवन को किस तरह से सुरक्षित करना चाहते हैं। आज किसी भी तरफ देखिए, आज सड़कें उत्तराखंड में कहीं सड़क दिखाई देती है आपको? कहीं गलती से ऐसा लगता है कि आप सड़क पे चल रहे हैं या जंगल पे चल रहे हैं? कहीं थोड़ी बहुत कंक्रीट और थोड़ा बहुत दिखाई दे तो लगता है कि हाँ शायद सड़क पे ही है। ये दुर्दशा है। आदमी घर से निकल करके जाता है, मेरी माँ बहन बेटियां निकलती हैं, हर कोई जब तक वो लौट करके नहीं आता है वो संशय में रहता है, एक तरह से वह शंकित रहता है कि पता नहीं सकुशल लौट करके आएंगे कि नहीं आएंगे। कहीं सुरक्षा नहीं, शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, इस सबका कारण कौन है? इसका कारण निश्चित रूप से जिनको हमने अपना नेतृत्व सौंपा, जिनसे हमने आशाएं रखी, जिनके प्रति हमारी भावनाएं थी, जिनको हमने सोचा था कि हमारे रक्षा करेंगे, आज कहीं ना कहीं वो हमारी रक्षा करने में असफल रहे हैं। इसको हमें समझना होगा। कोई आग्रह नहीं, कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई विद्वेष नहीं, हम सबको एक तटस्थ बुद्धि से, एक निरक्षीर विवेकी सोच और दृष्टि से यह सब समझना होगा, सोचना होगा, जिससे कि हम इस देश को बनाने में अपनी भूमिका स्वयं तय कर सके। वह समय आ रहा है। तो पीड़ा होती है जब हम देखते हैं हमारी संस्कृति, हमारी मर्यादाएं, हमारे मूल्य और आदर्श से संबंधित जो चीजें हैं उसके लिए पुरजोर लगाने के बाद में भी, ताकत और ऊर्जा लगाने के बाद में भी कुछ नहीं वो करते हैं। क्या जो आज वातावरण है, जो समाज की स्थिति है, जो राजनीतिक स्थिति है जिसकी हम कल्पना करते हैं, क्या वैसी ही स्थिति है? हर एक व्यक्ति यदि अपने दिल में हाथ रख करके पूछे तो मैं कहता हूं कि जैसा आज समाज में है वैसा हमें किसी को भी नहीं चाहिए। तो जैसा हमें चाहिए वो कौन बनाएगा? जैसा हमें चाहिए वो आप और हम बनाएंगे। इसके लिए हमें जागृत होना होगा, हमें अपने आंखें खोलनी होंगी और अपने आंखों के सामने में जो पर्दा है उस पर्दा से हमें बाहर निकलना होगा। भय का, लोभ का, लालच का, पूर्वाग्रह का, डर का, भय का, इन सब पर्दों से आप बाहर निकलेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हमें बहुत पर्दों के पीछे रखा गया है। इन पर्दों से हम बाहर निकले और हमारे लिए बड़ी बात विशेष कर करके इस भूमि में, इस क्षेत्र में, जैसे स्वामी जी कह रहे थे कि देखिए जब देश की बात आती है दुर्भाग्य से दुनिया में किसी देश के दो दो तीन तीन नाम नहीं होते हैं। भारतवर्ष में तो आज भारत नाम भी नहीं रहा, हमने भारत को भी खो दिया। जब हमने भारत को खो दिया और भारत का स्वाभिमान फिर कहां बचता, वो भारतीयता कहां बचती, यह बहुत विचारने की बात है। लॉर्ड मैकाले ने कहा था इस देश को बर्बाद करना है, इस देश को खत्म करना है तो इस देश को खत्म नहीं कर सकते हैं, एक ही उपाय है कि इस देश की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दो। तो हमारी गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय शिक्षा प्रणाली, भारतीय जो विधा थी उसको खत्म कर दिया गया, इसलिए आज हम भारतीय होते हुए भी भारतीयता से बहुत दूर पहुंच चुके हैं। और इस देश का भला भारतीयता से, भारतीय संस्कृति से, सनातन परंपरा से ही संभव है। तो जब तक हम
लौट करके अपनी संस्कृति की ओर नहीं आएंगे, इस देश के लिए संभवतः जो हम इस देश में चाहते हैं हम कभी नहीं कर पाएंगे। तो जब हमने अपनी भारतीयता को ही भुला दिया, अपनी संस्कृति के गौरव को खो दिया है, आज हमें वेस्टर्न कल्चर में, पश्चिमी सभ्यता में रहना, उस तरह से जीवन को जीना आदमी गर्व महसूस करता है। जब संस्कृति की बात आती है तो हमारे मन में ही आता है कि लोग हमें ऐसा तो नहीं समझेंगे कि हम दकियानुसी हैं, लोग ऐसा तो नहीं मानेंगे कि कहीं हम बहुत पिछड़े सदी के लोग हैं, ये हीन भावना कौन पैदा कर रहा है, इस तरह की मानसिकता हमारे मन में कहां से आ रही है। तो यह मानसिकता वहां से पैदा हो रही है जो हमारी संस्कृति को ध्वस्त करना चाहती है। इस मानसिकता को हमें तोड़ना है। जैसे अभी डॉक्टर विश्वपाल जी कह रहे थे कि जब हमारे डॉक्टर संपूर्णानंद जी इस स्थान को ढूंढते हुए उन्होंने ये जगह ढूंढ ली थी, और उस समय पर यदि इस स्थान को बढ़ाने का प्रयास होता तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं इस स्थान को भारत का बच्चा बच्चा जानता और श्रद्धा से आकर के अपना माथा यहां झुकाता। ये हमारी पवित्र भूमि है, ये हमारे लिए श्रद्धा की भूमि है, ये हमारे लिए वंदन और नमन की भूमि है, जहां से भारत शब्द की उत्पत्ति हुई, देश की जहां से उत्पत्ति हुई। यदि एक शब्द में कहूं, आर्यावर्त शब्द की उत्पत्ति हुई ऋषियों की, प्राचीन काल में जो हिमालय श्रृंखला में जो तप करते थे वो आर्यावर्त शब्दों से, आर्य शब्द से भी हमारे इतिहास के साथ छेड़ाछाड़ी कर करके, छेड़ाखानी कर करके कि आर्य लोग भी विदेशी थे, इस तरह की बात आज हमें पढ़ाई जाती है और हमारे बच्चे पढ़ते हैं। यानी कि आप स्वयं ये पढ़ते हो कि आप इस देश के रहने वाले नहीं हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का कुछ नहीं हो सकता। तब जब भारत वर्ष की बात आई, वह भरत गृह्णामि ते दंतान, कोई कह सकता है? आज के बच्चे कॉकरोच देख करके डरते हैं। भरत कहता था ये शेर इधर आ, अपने शेर को बाघों को पकड़ करके मुंह कहता था चल मैं तेरे दांत गिनता हूं, गृह्णामि ते दंता। वह उद्घोष करने वाला बालक, वह यशस्वी बालक, वह महातेजस्वी बालक जिसकी वजह से आज इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा, वह बालक उसकी जन्मभूमि जन्मस्थली तुम्हारे घर के पड़ोस में और तुम्हें पता नहीं है। यहां बच्चों को ला करके छोड़ो तो मैं कहता हूं भारत के इतिहास को पढ़ा दो, छोटी छोटी किताबें में पुताई पुताई तो हो जाएगी, बड़ी बात नहीं। मैं तो सोच रहा था ये कहेंगे कि आश्रम संभालो, ये करे पुताई करा दो, तो मैं तो सस्ते में छूट गया। अच्छा ही है, कोई बात नहीं। तो बात यह है कि भारत की जीवन चरित्र को आप यहां रखिए, कर्ण ऋषि का जीवन चरित्र को लाइए, सारे कोटद्वार वालों को पता नहीं, जितने भी बैठे हैं भारत स्वाभिमान के हमारे कार्यकर्ता हैं, हम उनको भी लगाएंगे सब जगह पर, कोटद्वार में घर घर में बटाइए, वो काम में मैं सहयोग करूंगा। उनको पता होना चाहिए कोटद्वार ऐसी सामान्य भूमि नहीं है, कोटद्वार में रहने वाले जब सामान्य भूमि नहीं तो लोग सामान्य कैसे हो जाएंगे, तुम भी स्पेशल कहलाओगे? अपने आप को स्पेशल सिद्ध करने के लिए पहले तो आप जानो, भरत को जानो, महर्षि कर्ण को जानो, और अपने रिश्तेदार मिलने वाले अड़ोस पड़ोस दूर दूर तक, दान तो ऐसे ही चढ़ जाएगा, मठ मंदिर में वैसे ही चढ़ जाता है, एक एक आ जाएंगे, दान पात्र वहां रख दो, और कर्ण ऋषि का घूमने का इधर है, बैठने का सुंदर सा है, एक दो गतिविधियां और जोड़ दीजिए, अपने आप आ जाएगा। तो एक बहुत भारी काम नहीं है। हमारे यहाँ तो जो है ना, वो भारतवर्ष तो ऐसा है कि यहाँ तो कंकड़ कंकड़ में शंकर जी देखते हैं, यहाँ तो साक्षात महर्षि कर्ण हुए थे, इसलिए लोगों को क्यों नहीं दिखाई देंगे, दिखाई देंगे। तो उस भारत के चरित्र को हम लोगों तक पहुंचाएं, उस बात को लोगों तक जाकर के कहें। आज कवि कालिदास को कौन नहीं जानता, कालिदास को पूरी दुनिया, कालिदास के साहित्य को ऐसा माना जाता है दुनिया के जो उम्दा साहित्य है वो कालिदास ने दुनिया को दी। इस मालिनी के तट पर रह करके अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे ग्रंथों की रचना उन्होंने की, इतनी बात यदि दुनिया को पता चले, लाखों लोग हैं दौड़े दौड़े इस किनारे पर आएंगे। हमारी आवश्यकता है कि आज हम उन चीजों को लोगों तक पहुंचाएं, जब तक हम लोगों तक पहुंचाएंगे इन्हीं चीजों से फिर हमारी पहचान बनेगी, इसको कभी मत भूलना। तो वह समय आ गया है, वर्षों पहले हमने सोचा था हम कभी यहां आएंगे, और मुझे इस बात की खुशी हुई कि आज
आपने बहुत आग्रह किया, बरसों व्यस्तता रही थी आप सबको पता है, पर हम आए तो मुझे आज एक नई ऊर्जा की अनुभूति हो रही है। और आप सबके साथ मैं संपूर्ण देशवासियों को भी इस बात के लिए आह्वान करना चाहता हूं, इस भारत की जन्मभूमि से, इस भारत की जन्म स्थल से जहां से भारतवर्ष बना, कि भारतवर्ष का नया उदय इस बार हम सबको मिलकर के 2014 में करना है। यह संदेश आस्था के माध्यम से आप पूरे देश के लोगों से मैं आह्वान करता हूं कि आज इस भारत की पवित्र भूमि, महर्षि कण्व की पवित्र भूमि, यहां से यह उद्घोष हम करते हैं, यह संकल्प हम लें कि इस भारत को हमें भारत बनाना है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराओं से पूर्ण यह देश हमें बनाना है। इस देश के अंदर जो अपसंस्कृति है, कुरीति, पाखंड और भ्रष्टाचार, व्यभिचार और दुराचार, बेरोजगारी और जो अभाव चारों तरफ मुंह बाए खड़ा है, उससे हमें देश को बचाना है। इन स्थानों को, इन स्थानों की पवित्रता को, इस स्थान की ऊर्जा को, इसको भी हमें पूरे देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। ऐसे स्थानों पर आने से हम जैसी जगहों पर जाते हैं वैसा विचार बनता है, जिस तरह के हम लोगों के पास बैठते हैं वैसा हमारा विचार बनता है। तो ऐसे स्थानों में हम बार बार आए, जब समय मिलता है आकर के मालिनी के किनारे पर बैठिए, समय मिलता है कण्व ऋषि के इस तपोभूमि में, जन्मभूमि में आप बैठिए, कालिदास की तरह से अपनी लेखनी और कलम लेकर के नदी के किनारे बैठ जाओ, तुम्हारे दिमाग में भी कोई न कोई नई बात आएगी, संभवतः शायद देश को बचाने की बात आए, संस्कृति और साहित्य की बात आए, बात आएगी तो वह देश को बचाने की बात आएगी, देश को लूटने की और देश को खत्म करने की बात नहीं आएगी। और जो देश को लूटने और बर्बाद करने में लगे हुए हैं ना, उन सारे नेताओं को भी पकड़ करके यहाँ बैठा दो, जिससे कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, क्योंकि बुद्धि विकृत होती है तो सब कुछ गड़बड़ झाला हो जाता है। इसीलिए हमने वेद में भी भगवान, हम गायत्री मंत्र को सर्वोत्कृष्ट मंत्र मानते हैं, वहां भी धियो यो नः प्रचोदयात्, हमने भगवान से और कुछ नहीं मांगा है, ये ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूं मंदिर में जाकर के भगवान बेटा दे दे, बेटी दे दे, संपत्ति दे दे, ये दे दे, वो दे दे, पूरी लिस्ट ले जाने की जरूरत नहीं है। यदि देवी दे दिया ना, इधर गड़बड़ हो गया तो सब गड़बड़ है मामला, कुछ नहीं समझेगा फिर। तो भगवान से कहो धियो यो नः प्रचोदयात्, भगवान मेरी बुद्धि को ठीक ठाक कर दे, इधर ठीक होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसीलिए ऐसे स्थानों पर आने से इधर ठीक हो जाता है। इसलिए हम आए, चिंतन करें, मनन करें, सोच करें, हमारे अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों को समझें, देश के लिए हमें क्या करना है। प्राचीन काल से हमारे ऋषि महर्षि लोग, हमने आध्यात्म की बात करी, हमने मोक्ष की बात करी, हमने योग की बात करी, पर ऋषियों ने उसके साथ कभी भी राष्ट्रवाद को कभी नहीं छोड़ा। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज पूरी ताकत से, पूरी ऊर्जा से उसी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं, सब कुछ दांव में लगा करके, सब कुछ सर्वस्व आहूत करके भी इस देश को बचाना चाहते हैं। शुरू से लेकर के लोग यह कहते रहे कि बाबा तेरे को क्या पड़ी, दुनिया में ऐसा मानते हैं लोग, अपने नाम के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपनी जमीन की तलाश के लिए विविध तरह की चीजों का आश्रय लेते हैं, कोई राजनीति का आश्रय लेता है, किसी दूसरी चीज का आश्रय लेता है। वो कौन सी चीज थी जो हमें इन राक्षसों को ललकारने से मिलने वाला था? हमें कुछ चाहिए नहीं था, परंतु इस काम को करने के लिए कहीं से हमारी, कहीं से हमें ऊर्जा मिली, तो वह आपकी पीड़ा थी, आपका दर्द था। देश के लोगों को श्रद्धेय स्वामी जी ने योग सिखाते हुए, आयुर्वेद का प्रचार करते हुए, जब गांव गांव, शहर शहर, नगर नगर, डगर डगर जब यात्रा करते रहे, तो उन्होंने देखा कि लोगों की पीड़ा योग सिखाने से एक सीमा तक तो ठीक होगी, लोगों की बीमारियां भी योग कराने से काफी हद तक ठीक हो जाएगी, परंतु यह व्यवस्था मात्र योग कराने से सुधर नहीं सकती है। व्यवस्था में बैठे हुए जो गुंगे और बहरे बने हुए जो सत्तासीन हैं, उनकी, उनको जगाना होगा, उन बहरों को भी सुनाना होगा, ऐसी आवाज गुंजायमान श्रद्धेय स्वामी जी ने की। तो वह बाबा रामदेव जो सबके आंखों का तारा था, अगले दिन वो आंखों का किरकिरा हुआ, मत भूलना, वो 4 जून
2011 उसका बदला लेने का समय भी अब हमारे सामने है। मत चुकना, उस पाप से मुक्त होना चाहते हो जो आपने 4 जून 2011 को देखा है, उस विभत्स दृश्य, उन माताओं बहनों का अपमान, उन हजारों लाखों भाई बहनों का तिरस्कार, उनको रात को, सच में वो बहुत बड़ा कांड था, जालियांवाला बाग से भी भयानक कांड होने वाला था, बड़ी कहानी है। उनके अंदर संवेदना नहीं है, उनको इसके देश से प्यार नहीं है, हमारी संस्कृति और परंपरा से उनको कोई लेना देना नहीं है। ऐसे लोगों को सत्ता पर बने रहना देने के लिए यदि हम फिर भी बना रहना देते हैं तो निश्चित रूप से हम पाप के भागी बनेंगे, इसलिए हमको अब पाप के भागी नहीं बनना है, ये ध्यान रख लेना। अब उत्तराखंड में 1 साल पहले जो त्रासदी हुई मेरे आंखों के सामने, वह मंचर मुझे आज भी दिखाई देता है, कितना भयानक और विकराल दृश्य था। कहां थी सत्ता की संवेदना, कहां थी सरकार की संवेदना, मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। मुझे इस बात की खुशी है, श्रद्धेय स्वामी जी ने आह्वान किया, आज पतंजलि योगपीठ के जैसे अनेक संस्थाओं ने मिलकर के वहां जो कार्य किया और हमारे सेना के जवानों ने जो काम किया, उससे आज थोड़ा बहुत उत्तराखंड खड़ा है तो उनकी वजह से है। कोटद्वार भी तो हिमालय के प्रवेश द्वार है, उधर से हरिद्वार, इधर से कोटद्वार है, सब व्यापारी भाई ठप पड़े, ठंडे पड़े, खाली बैठे, क्यों? सरकार का काम नहीं कि उत्तराखंड अब सुरक्षित है, उत्तराखंड में अभी कोई भय नहीं है, आ जाओ। 4 यात्रा की तैयारी कहाँ है? स्वामी विशुद्धानंद जी जैसे महाराज लगे हैं थोड़ा योग महोत्सव वगैरह आयोजन करा के सरकार के पीछे लग करके थोड़ा बहुत माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार क्या कर रही है? क्या वो सरकार का दायित्व नहीं है, सरकार का कर्तव्य नहीं है कि आइए उत्तराखंड में? क्योंकि उत्तराखंड, यदि उत्तराखंड को हम वास्तव में इस देवभूमि को जीवित रखना चाहते हैं तो हमें यहाँ की जड़ी बूटियां, यहाँ के देवस्थल, ये जैसा मैंने बताया यहाँ कण्व ऋषि का आश्रम, ये इतनी बड़ी चीज है यहाँ देश के। मैं कहता हूं कि आप सोचिए कि हर महीना हम 10 लाख लोगों को भी लेकर के आए, साल भर में 1 करोड़ लोग आ जाएगा, 1 करोड़ आ जाएगा तो सबको रोजगार अपने आप मिल जाएगा, तो क्या हम 1% जनसंख्या को भी यहाँ नहीं खींच सकते हैं? क्या इस देश के अंदर 1% लोग भी ऐसा नहीं है कि जो भारतवर्ष जिनके नाम से पड़ा उस भारत की जन्मस्थली को देखने की इच्छा रखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा है, हमें वहां तक पहुंचाना पड़ेगा। सरकार का काम था, वो नहीं करे तो सरकार को भी ठीक करने का काम हमको करना है। मैं तो पुनर्जन्म को मानता हूं, आप सब भी मानते होंगे, हिंदू संस्कृति में परंपरा में ये तो अनवरत यात्रा है, तो यहां मान अपमान यदि आप बड़े काम के लिए लग रहे हो तो वह ये काम, कुछ काम ऐसे होते हैं वो कई जन्मों में पूरे होते हैं। हम तो कई जन्मों को काम को लेकर के चल रहे थे, 1 जन्म में ही लोगों ने हमें वीर और शहीद के रूप में, यदि कहीं उनको हाँ प्रतिबिंब दिखाई देता है उन शहीदों का, हमें उनके चरणों का धूल बनने का मौका मिलता है, तो उससे बड़ा हमारे लिए और क्या सौभाग्य हो सकता है। न जाने हम कितनी बार पैदा हुए, कितने बार मरे, पर ऐसा सौभाग्य सबको नहीं मिलता है, तो यह समय आया है उस सौभाग्य को हम समझें। हम सभी लोग उस अभियान में जुटे, पूरी ताकत और पूरी ऊर्जा के साथ जुटे, तो इस देवभूमि उत्तराखंड में बहुत पवित्रता है। वो भूमि है, इस भूमि की पवित्रता को हम बरकरार रखें, अपने आप भी बचा करके रखें, अपने जीवन को भी हम उन्नत बनाएं, क्योंकि हम कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो मिस्री के पहाड़ पे भी चढ़ने वाली चींटी यदि मुख में नमक की डली को लेकर के चढ़ती है तो कभी उसको मिस्री का स्वाद नहीं मिलता है। कहीं इस देवभूमि हिमालय में रह करके भी यदि हम जो दुनिया की विकृतियां हैं, बुराइयां हैं, उसको लेकर के बैठे रहे तो देवभूमि भी आपका भला नहीं करेगा। तो पहले हम यह भी सोचे कि यहाँ पर है तो हमारा जीवन, हमारा चरित्र, हमारा मूल्य और आदर्श ऐसा आदर्श होना चाहिए कि जो दूसरों के लिए अनुकरणीय हो, दूसरों के लिए कुछ वहां से सीख पाने की स्थिति वाला हो, हम दूसरों को चरित्र से सिखा सकें, जीवन से सिखा सकें और लोगों को हम आह्वान करके इस देवभूमि को और बुला सकें, तो यह समय। क्योंकि मुझे तो इस बात को लेकर के भी, क्योंकि मैं बार बार अभी भी ये पूछ रहे थे क्या हुआ, मेरे आप हाथों में देखेंगे सब
मैं तो लड़ता रहता हूँ पेड़ पौधों से, प्यार भी उनसे करता हूँ। तो जंगलों में गया था, झाड़ियों में घुसा, हुआ क्या, ऐसी एक झाड़ी में हम घुस गए। हमने सोचा कि शायद नीचे निकल जाएंगे। बहुत चलते गए चलते गए, 3 दिन पहले की बात, 4 दिन हो गए। तो आगे गए तो ना नीचे दिखे ना ऊपर दिखे। हमने सोचा अभी इतने पैर दुखने शुरू हो गए, हमने कहा अब ऊपर भी नहीं जा सकते, अब नीचे रास्ता पता नहीं। हमने कहा नीचे लुढ़कते हैं, कहीं ना कहीं नीचे खाई तक तो पहुंचेंगे, तो कोई खाई, नदी, नाला, खाला कुछ तो मिलेगा। तो हम सांप की तरह से रेंगते हुए नीचे गए, सारा छिल गया पूरा एकदम। पर मेरे को मजा आता है, अच्छा लगता है, क्योंकि यदि इस बालकृष्ण को बालकृष्ण बनाया है तो इन पेड़ पौधों ने बनाया है, तो इसीलिए मुझे उनसे प्यार है। मैं तो लगा रहता हूं, पर मैं देखता हूं उन चीजों को, मुझे लगता है कि काश इन 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 पेड़ पौधों की शक्ति को हम 1% भी यदि हम विश्व में पहुंचा सके तो इस प्राखंड का जो सर है वो हम बिल्कुल बहुत शिखर तक पहुंचा सकते हैं, बहुत ऊंचे स्तर तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अभी हम विश्व भेषज संहिता वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बहुत बड़े स्तर पर काम हो रहा है। पहली बार दुनिया की जितनी जड़ी बूटियां हैं उन जड़ी बूटियों को लिस्टिंग का काम हम कर रहे हैं। कितने पेड़ पौधे ऐसे हैं इस धरती के अंदर जो जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किए जा सकते हैं, ऐसा प्रयास कभी किसी ने किया ही नहीं। और किया होता तो हमारे लिए फिर काम कहां बचता, ये तो अच्छा है, नहीं किया इसलिए मेरे को काम मिल गया। तो हम इस काम को कर रहे हैं। उसमें जो विचित्र बात, मैं जिस बात को हमेशा कहता हूं, हर उत्तराखंड के क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति को तो कम से कम अपना सीना चौड़ा कर करके इस बात को सगर्व कहना चाहिए और इस बात को पूरी दुनिया में पहुंचानी चाहिए कि दुनिया में करीबन करीबन 12,000 औषधीय पौधों में से करीबन करीबन 5,500 से 6,000 पौधे भारतवर्ष में होते हैं। यानी दुनिया में जितने पेड़ पौधे जड़ी बूटी के हैं उसके आधा के लगभग उत्तराखंड भारतवर्ष में है, और उस 6,000 पौधों में से समझ लो कि लगभग 4,500 पौधे लगभग, यानी कि 3 भाग सिर्फ उत्तराखंड में है। ये बहुत बड़ी बात है, इस बात को हमें दुनिया में पहुंचानी चाहिए। दुनिया के अंदर इतनी जैव विविधता, इतनी जड़ी बूटियों की सघनता, हर पौधा हर पेड़ जड़ी बूटी है, ऐसे पेड़ पौधे मात्र उत्तराखंड में हैं, मात्र इस हिमालयी क्षेत्र में हैं। इस बात को हमें पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहिए, दुनिया के लोग आकर के तो देखें। और इन सरकार के कानों को खोलने का काम भी समय आया है, अब हम करके दिखाएंगे। क्योंकि जब जान की बाजी आदमी लगा देता है, क्योंकि यहां जो कुछ भी है सब कुछ खोकर के पाया है, इसलिए यहां खोने का कोई डर नहीं है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए हम पूरी ऊर्जा के साथ लगे हैं। तो आप सबसे मेरी यही प्रार्थना है, हम पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ लगे, क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, और जो समय पर नहीं चेतता है उसको फिर समय कभी माफ नहीं करता है। इसीलिए समय की नजाकत को भाप करके, समय की नब्ज को पकड़ते हुए समय पर सही निर्णय लेना हम सब का कर्तव्य है, इसको हम करें। और इस पवित्र भूमि से पुनः मैं ये कहना चाहता हूं संपूर्ण देशवासियों से, जरा आइए कर्णव ऋषि की इस पवित्र भूमि में आकर के नमन करो, वंदन करो, इस माटी को अपने माथे से लगा लो और आकर के भरत जैसे आदर्श को पाने के लिए, आदर्श भारतवर्ष बनाने के लिए यहां से प्रेरणा प्राप्त करो। आप सबको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं, वंदन, नमन और प्रणाम। ओ परम